तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की हैं। ये जो हाथ जोड़कर गिड़गड़ाते हुए माफी मांग रहे हैं, ये वो दबंग हैं जिन्होंने दीपावली की रात यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर शुभम चौधरी और सिपाही मनीष सिंह को ईंट पत्थर लाठी डंडों से इतनी बेरहमी से दौड़ा दौड़ा कर पीटा था कि बस किस्मत से उनकी जानें बच गईं। वरना जिस तरह से ये सब मिलकर पुलिस वालों पर हमलावर थे, वो वीडियो देखकर तो यही लग रहा था कि ये झुंड दोनों पुलिस कर्मियों की जान लेकर ही दम लेगा। खैर, पुलिस वालों की जान बच गई और उस वायरल वीडियो ने पुलिस वालों पर हमलावर भीड़ की हकीकत भी सार्वजनिक कर दी। पुलिस पर हमले के आक्रोश में यहां बरेली पुलिस ने अपना इंतकाम पूरा कर लिया है। करीब 9 आरोपियों को पकड़कर उनका ये हाल कर दिया जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। घुटनों के बल आए दबंग लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। बरेली पुलिस ने हवालात से बाहर निकालकर इनकी परेड कराई। ये उसी परेड का मंजर है जिसे एक बार फिर गौर से सुन और देख लीजिए। बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में दीपावली की रात जुआ हो रहा था। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। सब इंस्पेक्टर शुभम चौधरी, सिपाही मनीष सिंह गश्त पर थे। पुलिस होली चौक पर जुए के अड्डे पर पहुंची। कहासुनी के बाद यहां आरोपी जुआरियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। ये हमला सामान्य नहीं था बल्कि जानलेवा था। पुलिस ने अपनी तहरीर में भी यही आरोप लगाया है और पुलिस के साथ पिटाई की जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें भी यही दिखाई दे रहा है। धीरज, विजय, कपिल, विपिन, नन्हे राजू समेत भीड़ ने पुलिस कर्मियों को यहां दौड़ा दौड़ा कर बुरी तरह से पीटा। एक होमगार्ड ने यहां से बचकर पुलिस को जाकर हमले की खबर दी। उसके बाद फोर्स पहुंची तो घायल पुलिस वालों की जान बच पाई। इसके बाद यहां पुलिस का तांडव शुरू हुआ। हमलावर 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके उनका ये हाल कर दिया कि एक सांस में 10 बार माफी माफी बोल रहे हैं। हालांकि आरोपियों की इस तरह परेड कराने को लेकर बरेली पुलिस पर सवाल भी उठ रहे हैं। बरेली जो अपराध का बड़ा गढ़ बन चुका है, जुआ, नशा, तस्करी, हत्या और जमीनों पर अवैध कब्जे की खातिर गोलीबारी, मर्डर तक की घटनाएं यहां आम बात होती जा रही हैं। इसी साल 22 जून को 15 करोड़ के एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर बरेली में गैंगवार हो गई थी। उस गैंगवार के बाद से अब तक बरेली कई बड़ी दिल दहलाने वाली घटनाओं का सामना कर चुकी है। सीरियल किलिंग से लेकर सांप्रदायिक टकराव तक की घटनाएं बेधड़क यहां सामने आ रही हैं। बरेली पुलिस पर हमले के बाद आरोपियों की इस परेड का दबंग और आपराधिक किस्म के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये फिलहाल वक्त तय करेगा। लेकिन जिस तरह से बरेली में पुलिस वालों पर हमले की ये घटना सामने आई है, उस तस्वीर ने बरेली में अपराध की तस्वीर एक बार फिर से उजागर कर दी है, जो बरेली पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ के आम लोगों के लिए भी चिंता की बात है।